हेलो बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कवर किया जाए 12.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 9 टू 12 9 से लेके 12 तक किस बुक से तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से ये बुक होता है मजेदार और मजेदार क्वेश्चन को कभी भी रखना नहीं चाहिए बना के खत्म करना चाहिए और कंप्लीट शर्मा का अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो आप जाके हमारा प्लीज चेक कीजिए हर एक सोल्यूशन मिल जाएगा हर एक चैप्टर मिल जाएगा और इस बुक से ज्यादा अच्छा कोई किताब नहीं है एनसीआर टी एनसीआर और तीसरा मैं रेफरेंस बुक कोई बनाना चाहते हो तो सिर्फ शर्मा बनाओ और कोई किताब मत बनाओ कोई जरूरत नहीं है ये इतना आपको प्रैक्टिस कराएगा कि सौ में सौ एकदम दिलाएगा ही दिलाएगा ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ देंगे ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज थर्टी डिग्री द एंगल ऑफ एलिशन ऑफ टॉप ऑफ टावर यहाँ पर एक टावर बना लिए ठीक है और ये ग्राउंड हो गया यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है थर्टी डिग्री पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज थर्टी डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी मीटर टू आट द फुट ऑफ द टावर बीस मीटर आगे बढ़ते हैं टावर के फुट की तरफ मतलब यहाँ से यहाँ ये बीस मीटर ये पॉइंट बी हो जाता है और ये एंगल ऑफ एलिविएशन कितना हो जाता है सिक्सटी डिग्री टू एट द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बैंगल ऑफ इलिवेशन इनक्रीज टू सिक्सटी डिग्री बढ़ के साठ डिग्री हो जाता है फाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी सॉरी ए से मतलब ये पूरा ही चाहिए इनको डिस्टेंस पूरा ही डिस्टेंस चाहिए कोई दिक्कत नहीं है ए से निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे नाम लिख देंगे तो ए बी तो पहले से फिक्स है तो यहाँ सी और यहाँ डी यहाँ कितना बना लोगे नाइनटी डिग्री अब क्या कीजिएगा पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल हमेशा नियम बना लो हाइट एंड डिस्टेंस में तो पहले लिखोगे इन ट्राइंगल परपेडिकुलर बाई पेस होता है और टेन सिक्सटी का वैल्यू किसके बराबर होता है तो रूट थ्री बाई टू और सी डी भी नहीं पता बीसी भी नहीं पता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बीसी जो है सॉरी रूट थ्री बी सी टू सी आ जाएगा तो सी किसके बराबर आ गया रूट थ्री बी या बी सी रूट थ्री जैसे लिख लो ठीक है अब बड़ा वाला। इन A, C, D, पूरा होल लेंगे क्या लिख सकते हो रूट थ्री बी सी यहाँ रूट थ्री बी सीवाइडेड बाई ए सी ठीक है डी की जगह रूट थ्री बी सी जो आया था वो लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एसी जो है वो किसके बराबर थ्री बी सी रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ए सी के, के जगह पे क्या लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी ठीक है थ्री बी सी की जगह थ्री बी सी ए सी की जगह ए बी प्लस बीसी ए बी की जगह क्या ट्वेंटी प्लस में बी सी है उस तरफ जाएगा तो माइनस में बीसी तो बराबर आ जाएगा बीसी टू बीसी क्योंकि तीन में से गया तो दो और यहां बीस दिन बीसी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा टेन मीटर क्योंकि दो से काटेंगे बीस को तो दस आ जाएगा तो एक आंसर तो नहीं अभी एक आंसर नहीं एक तो दस आ गया अब हमें निकालना क्या था हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर वो किसके बराबर है तो सी डी के बराबर है और सी डी किसके बराबर है तो रूट थ्री बी सी के बराबर मीन्स बी सी के जगह टेन और रूट थ्री की जगह रूट थ्री मान लो रहने दो अब क्या लिख सकते हो टेन इन टू वन पॉइंट सेवन थ्री टू भी हो सकता है सेवन थ्री तक भी छोड़ सकते हो ये आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री मीटर ये बुक में आंसर मिला लीजिए सेवनटीन पॉइंट थ्री मीटर आ जाएगा एक फिर डिस्टेंस जो पूछ रहा था डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए मतलब ए सी किसके बराबर हो जाएगा तो ए सी बराबर क्या था ए बी प्लस बी सी ए बी बीस और ये दस मीन टोटल कितना थर्टी मीटर बस आंसर आप अंग्रेजी ऊपर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए इजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फिफ्टीन मीटर हाई मतलब एक बिल्डिंग है पंद्रह मीटर ऊंचा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी थर्टी डिग्री मतलब एक तरफ टावर है और एक तरफ छोटा सा बिल्डिंग है ठीक है बिल्डिंग के टॉप से टावर को देखते हैं ये कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग यहां से बॉटम बिल्डिंग के बॉटम से जब टॉप ऑफ टावर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री ये किसके बराबर तो 60 डिग्री के बराबर एन द हाइट ऑफ द टावर टावर का हाइट क्या होगा मतलब ये पूरा कितना होगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग बिल्डिंग और टावर के बीच में कितना दूरी होगा ये निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे नाम नाम के लिए ए बी टी बी और यहाँ आई हमेशा क्या रूल सीखा है पहले छोटा फिर बड़ा तो पहले ए बी ई ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई ठीक है और tan 30 ए बी बी ई tan 30 के जगह 1 √3 ए बी नहीं पता है मुझे बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है क्या 15 मीटर ये 15 दिया हुआ है ठीक है बी सी बी फिफ्टीन हो जाएगा ये जितना उतना ही ये भी बी सी बी फिफ्टीन हो जाएगा और BE नहीं पता है मुझे फिर से ए बी अगर करोगे तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना नहीं नहीं बी ई आ जाएगा BE बराबर रूट थ्री ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इससे गुना और इसको इससे गुना अब बड़ा वाला ट्रैंगल में इन ट्रैंगल ए सी डी टेन सिक्सटी इजिकल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी डी टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री ए सी नहीं पता है लेकिन हम वहाँ लिख सकते हैं क्या ए बी प्लस फिफ्टीन ए सी सी ये पूरा बराबर ये छोटा सा प्लस ये छोटा सा लिख सकते हैं या फिर बी सी भी आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है डिवाइडेड बाई सी डी सी डी किसके बराबर होगा तो बी ई e के बराबर हो जाएगा ये सी डी और ये बी ई इक्वल होगा हमेशा ठीक है यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों सेम हो जाएगा अब क्या करोगे रूट थ्री की जगह रूट थ्री फिफ्टी ए बी के जगह ए बी क्योंकि ए बी नहीं पता है हमें प्लस बी सी जगह फिफ्टीन और बी ई e के जगह यहाँ से देख के लिखो क्या रूट थ्री ए रूट थ्री ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो थ्री ए बी इजिकल टू ए बी प्लस फिफ्टीन माइनस कर लोगे थ्री ए बी माइनस ए बी इजिकल टू फिफ्टीन तो ये आ जाएगा टू ए बी बराबर फिफ्टीन दिन ए बी बराबर टेन पॉइंट फाइव तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव मीटर सात पॉइंट पाँच मीटर आ गया ए बी आ गया हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा तो हाइट ऑफ टावर तो पट से निकल जाएगा ए सी ए सी बराबर था तो ए प्लस बी सी के ए बी कितना आया सेवन पॉइंट फाइव और बी सी कितना है फिफ्टीन ऐड करोगे तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर ये तो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग टावर और बिल्डिंग के बीच में मतलब सी पूछ रहा है तो सी किसके बराबर हो जाएगा सी किसके बराबर है बी के बराबर और बी किसके बराबर है तो रूट थ्री ए बी तो रूट थ्री ए बी ए बी के जगह कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव अब यहाँ क्या कीजिए रूट थ्री के जगह क्या लिख लो वन पॉइंट सारी ये इतना नहीं आया है ए बी था ना ए बी सेवन पॉइंट फाइव है सेवन पॉइंट फाइव से रूट थ्री की जगह आप लिख लो वन पॉइंट सेवन थ्री इंटू सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेवन फाइव शायद कुछ करके आ जाएगा ऐसे ही ठीक है कितना आ जाएगा वन पॉइंट सेवन थ्री इंटू सेवन पॉइंट थ्री को सेवन पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट नाइन सेवन फाइव आ जाएगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पॉइंट ये है मान लो मल्टीप्लाई कर लो इसको ठीक है देख लो कितना आता है कैलकुलेटर से करके पटाख से वन पॉइंट सेवन थ्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे सेवन पॉइंट फाइव से, से. तो हमने सही लिखा था सही मीटर 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 मीटर, मीटर डालोगे मल्टीप्लाई करना था बस और कुछ नहीं याद क्वेश्चन भी में टावर मतलब एक होरिजेंटल प्लेन है जिसपे वर्टिकल टावर है horizontal plane है वर्टिकल टावर टावर इतना ही टावर ऊपर में झंडा ठीक है ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट द पॉइंट नाइन मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टावर से नौ मीटर के दूरी पे ये नौ मीटर का दूरी हो गया मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल आर सिक्सटी एंड थर्टी टॉप एंड बॉटम फ्लैग पोल का ये टॉप और ये बॉटम छोटा वाला है तो तीस बड़ा वाला है तो साठ तीस और साठ दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट दोनों का ये भी चाहिए और ये भी चाहिए झंडा वाला का भी ऊंचाई चाहिए और टावर का भी ऊंचाई चाहिए सबसे पहले नाम चाहिए ए बी पी ए डी ठीक है अब क्या करोगे सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थर्टी इजिकल टू बी सी और डिवाइडेड बाई ए बी बी सी बाई नाइन टेन थर्टी का वैल्यू वन बाई रूट थ्री क्लास मल्टीप्लीकेशन करोगे तो नाइन बाई रूट थ्री इजिकल टू बी सी नीचे में रूट नहीं होना चाहिए तो क्या करोगे रेसनलाइज रूट थ्री से मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड यह आ जाएगा नाइन रूट थ्री बाई थ्री तीन से काटोगे तो तीन और ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री मीटर कौन बी सी बी सी पूछ रहा था हाइट ऑफ टावर तो थ्री रूट थ्री मीटर आ गया नेक्स्ट पूरा बड़ा वाला ट्रैंगल मिलोगे इन ट्रेंगल ए बी डी टेन सिक्सटी फिजिकल टू बी सी नहीं बी डी बी टी बी डी बी टी डिडेड बाई ए बी ये तो आपका नाइन रूट थ्री इक्वल टू बी डी अब बाई ए बी ए बी बराबर लाए हैं ओ नहीं ए बी नाइन दिया हुआ है ना ए बी नाइन अरे बाप रे इतना फास्ट कैलकुलेशन सर रुक जाइए तो नहीं सर टेन थर्टी का टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री बी डी के जगह बी डी और ए बी की जगह नौ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी डी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा नाइन रूट थ्री के बराबर आ जाएगा बी डी बराबर क्या लिख सकते हो तो सी डी प्लस बी सी टू नाइन रूट थ्री डी नहीं पता बट बी सी जरूर पता है थ्री रूट थ्री क्योंकि फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग तो ये आ जाएगा सी डी बराबर नौ रूट तीन माइनस थ्री रूट तीन ये आ जाएगा सिक्स रूट तीन वन सी डी अब क्या करोगे तेन से अंग्रेजी लिख दोगे हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ ब्लैकपोल हाइट ऑफ टावर इजिकल टू कितना थ्री रूट थ्री मीट और हाइट ऑफ पोल वो कितना है सिक्स रूट थ्री बस इजी था ड्राइंग बनाना सीखो डायग्राम बनाना सीखो और सिर्फ टैन टैन अधिकतर क्वेश्चन में टैन लगता है कभी कभी साइन कॉस लगता है और आराम से बन जाता है यहाँ देखो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर जो है 1.5 मीटर लंबा है इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर 30 मीटर है मतलब एक टावर है 30 मीटर ऊंचा और एक ऑब्जर्वर जो है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर टावर से 28.5 मीटर की दूरी पे है और ये बचवा जो है या फिर ऑब्जर्वर लेका लड़की कुछ भी हो सकता है ये वन मीटर का है ठीक है अब क्या करता है डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आइज इसके आई से टॉप ऑफ टावर का एलिविएशन निकालना है मतलब ये एंगल निकालना है आपको तो. ठीक है ये एंगल निकालना है अब क्या करोगे पूरा कितना दिया होता है थर्टी ये पूरा थर्टी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव माइनस करोगे पूरा थर्टी में से वन पॉइंट फाइव तो ये आ जाएगा आपका ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये पूरा थट्टी दिया हुआ था ये पूरा कितना दिया हुआ था 30. नाम लिखोगे यहां डी और यहां ई e. पहले तो लिखोगे कि A, e और बी सी दोनों इक्वल हो जाएगा ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1.5 के कारण ये 1.5 मीटर तो ये भी आपका 1.5 मीटर अब बी सी डी जो टावर है वो कितना मीटर है 30 मीटर का D से डी पूरा थर्टी तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं सी डी और प्लस बी सी थर्टी सी डी नहीं पता है बट बी सी जरूर पता चल चुका है सी डी तो जो है वो किसके बराबर आ जाएगा थर्टी माइनस वन एट पॉइंट फाइव मीटर सी डी किसके बराबर आ गया ट्वेंटी मीटर आ गया अब ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सी ई e के बराबर हो जाएगा ये भी 28.5 मीटर क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा अब ट्रायंगल लेंगे छोटा तो वाला इन ट्रायंगल पी डी ई और tan थीटा इज इक्वल टू पी डी आर डिवाइडेड बाई पी ई ओपन न्यूक्लियर बाई बेस tan थीटा नहीं पता मुझे क्योंकि थीटा ही नहीं पता है पी डी जरूर पता है 28.5 एट पॉइंट भी पता चल चुका है 28.5 ये दोनों कट गया तो बचा वन ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर आया वन के बराबर टेन के केस में जाओ वन कितनी डिग्री का वैल्यू होता है फोर्टी तो फाइव ठीक है टेन से टेन कैंसिल आउट देन थीटा बराबर फोर्टी फाइव बस यही आंसर ठीक है चलिए ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया इसके बाद का भी पार्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, वो सब मिलता रहेगा आपको जल्द से जल्द ठीक है थैंक यू सो मच बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्यों कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए डेली अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और प्ले में जाके आप चेक कर सकते हो आर डी शर्मा का हर एक सोल्यूशन मिल जाएगा ठीक है हर एक चैप्टर हर चीज़ मिल जाएगा आपको तो प्ले हमारा ज़रूर चेक कीजिए और एक चीज़ और कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत